शाहरुख खान उनका फर्स्ट एंट्री है एंड थिंक ही इज़ द मैन। शाहरुख सर को मैं बोलूँ ना कि सर आपने 15-20 मिनट के लिए आए हैं ना, लेकिन क्या धमाका दिया है। एसआरके ने बॉयकॉट गैंग की कमर तोड़ के रख दी, उनको एक बड़ा झटका दे दिया। खुद मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जो एसआरके के डाइहार्ड फैन हो ऐसा बता रहे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एसआरके की मूवी आने से पहले यानी कि पठान मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है और साथ ही साथ एसआरके को भी बॉयकॉट किया जा रहा। और आप सभी को पता होगा कि काफ़ी दिन से ब्रह्मास्त्र मूवी को भी बॉयकॉट किया जा रहा था, जिसके अंदर एसआरके का छोटा सा कैमियो रोल था। लेकिन ऐसे में आपको बता दूँ, ब्रह्मास्त्र मूवी ने 2 दिन में ऐसा रिकॉर्ड बना लिया जिसके वजह जो बॉयकॉट कर रहे थे उनको सबको खामोश बिठा दिया, जिसके अंदर एसआरके का भी कैमियो रोल था। आप सब बता दो, 2 दिन के अंदर इसने 160 करोड़ कमाई। पहले दिन इन्हें जो कमाई 75 करोड़ और जो दूसरे दिन कमाई 85 करोड़, यानी कि टोटल इन्हें 160 करोड़ कमाई, वो भी वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे में आप सभी सोच सकते हैं इतना बड़ा बायकॉट होने के बाद, इतने खराब रिव्यू मिलने के बाद 2 दिन के अंदर इसने रिकॉर्ड बना लिया। और जो एसआरके के फैन है वो झूम उठे और लोगों को बताइए देखिए अभी भी एसआरके के अंदर दम है और एसआरके का पावर है। तो इसी पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि एसआरके की वजह से कहने की ये मूवी चल पाई और एसआरके का कैमियो रोल आपको कैसा लगा। अगर आपने मूवी देखनी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्यों भी ओवरएक्टिंग करता साला, ओवरएक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। तो गई थी पहली इन्फॉर्मेशन आप सभी की। दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन थी उर्वशी एंड नसीम शाह के बारे में। जैसे मैंने आप सभी कल इन्फॉर्मेशन दी वाली वीडियो के अंदर, जहाँ पर कई सारे लोग उनके स्टेटस वगैरह बना रहे हैं और इसी पर नसीम शाह ने क्या बोला था कि मैं उन्हें जानता तक भी नहीं। लेकिन ऐसे में आपसे बता दूँ, अब उर्वशी का रिप्लाई आ चुका है। उर्वशी ने अपने स्टोरी के अंदर डाल के डायरेक्ट क्लियर कर दिया और मीडिया से रिक्वेस्ट कर ली। आप सभी को दिखी ना, इसके अंदर उन्होंने लिखा कि मेरी टीम कुछ दिन से गौर कर रही है, मतलब बेमतलब कि मतलब न्यूज़ फैलाई जा रही मेरे बारे में जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बारे में ऐसी कोई भी न्यूज़ ना फैलाए जिसकी कोई हकीकत नहीं है। आपका शुक्रिया। उन्होंने ऐसा कुछ बोला, आप सभी को दिखी रहा स्टोरी के अंदर। तो गाइस थी मेरी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इससे ज़्यादा अपडेट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, आपको लिंक इससे मिली हुआ है कि मुझे ज़रूर फॉलो करिए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।